सिटी के साथ रेस लगी है और सिटी जो हमसे पकड़ी नहीं जा रही है, तो आज उसकी वजह से काफी ज्यादा जो सर है ना वो मेरा दुख रहा है, तो बहुत ज्यादा खट्टा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, ठीक ठाक, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी तकरीबन 6:45 हो चुके हैं, तो अभी अभी मैं जो है छत पे आया चूजों को पानी वगैरह डालने के लिए, तो मैंने कहा जो व्लॉग है वो भी स्टार्ट करते हैं। सारा दिन जो है वो गर्मी जो है बहुत तेज होती है, इस तरह बाहर निकलना नहीं चाहता, बाहर इस तरह होता है जैसे आग बरस रही हो, लो चल रही हो, तो ब्लॉगिंग क्या करनी बाहर निकल के, तो घर के अंदर भी नहीं करते, सुस्ती भी काफी ज्यादा पड़ी होती है। तो अभी जो है थोड़ा सा मौसम जो नॉर्मल हुआ, क्योंकि जो सूरज की तपश है वो कम हुई है, अभी भी है जो कि जमीन की तपश है तो वो भी है, लेकिन खैर। तो अभी मैंने कहा जो ब्लॉग वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पीछे ये ग्रीन जैसे जाली नजर आ रही है, ये हमने चूजों के लिए डाली है यहाँ पे, ताकि यहाँ से जमीन की तपश जो है या सूरज की तपश वो अंदर ना जाए और उन्हें गर्मी ना लगे, तो वो ठंडे ठंडे रहे, इसलिए हमने ये जाली है उन्हें डाल दी। तो जहाँ चूजों के लिए मैं तो केले भी ले गया, तो इन्हें केले भी डालते हैं और दाने वगैरह पानी वगैरह भी चेक करते हैं। अभी आपको चूजे भी आपको कितने दिखाता हूँ, अभी आपको अपने चूजे भी दिखाता हूँ कितने बड़े हो गए। तो अभी इतने भी नहीं बड़े हुए, लेकिन एक चूजा जो है वो मैं दिखाता हूँ आपको, पहले एक मिनट ये खोलूं सारा। तो ये देखे जी क्या हाल हुआ है हमारे चूजों का, किस तरह के हो गए बेचारे, जैसे सदियों से नहाए ना हो, मुंह में देखे ने चिपड़े वगैरह लग रहे हैं, पानी तो है वैसे मैं डाल दूंगा। ये जी यस्सू, ये पंजू, ये हार, ये कबूतर, ये जो है ना इसका नाम मैंने डोली रख दिया, ये डोली यस्सू पंजू हार कबूतर डोली, बाकी इधर उधर हो सकते हैं डोली उसे ही कहूंगा, वो है डोली। अभी जो है मैं केले ये भी डाल दूंगा, पानी भी डाल दूं। तो गाइस अभी मैंने इन्हें पानी भी डाल दिया, तो माशाल्लाह जो है अपना खाई पी यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मोटो व्लॉग। तो अभी तकरीबन 6:30 हो चुके हैं, तो मैं निकला बाइक लेके बाइक राइड पे। मैंने कहा काफी दिन हो गए थे आपने भी नहीं राइड की और मैंने भी नहीं की, तेरे भी राइड करते हैं। तो अभी जो मौसम है वो मौसम की सूरत हाल इस तरह की है कि हवा में थोड़ी थोड़ी सी ठंडक हो गई है, क्योंकि हम थोड़ा सा जो खेतों के दरमियान से गुजरे और जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ पे आती है रस्ते में सेम नहर से आगे आती है जी सुलूनी जाल वाली नहर, तो बस उससे हम वापसी कर लेंगे। चले जी यहाँ से कर लेते हैं यू टर्न, देख के कोई बाइक वाला तेज तो नहीं आ रहा, या वन टू फाइव वाला ये दो बंदे जा रहे हैं बिल्कुल तेज थे, डबल सवारी के साथ बराबर बराबर बातें करते हुए और इंजॉय करते हुए। तो इसी तरह बातें करते करते हम भी चले जाएंगे घर को। सिटी के साथ रेस लगी है और सिटी जो हमसे पकड़ी नहीं जा रही है, क्यों नहीं पकड़ी जा रही है, अभी पकड़ लेते हैं हम सारी साहब पकड़ लिए, अभी शहर आ गए, सिटी के करीब करीब तो नहीं पहुंचे, गांव के करीब करीब पहुंच गए, तो जो अपनी बाइक को स्लो कर लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ घर, तो जो मोटो व्लॉग है वो थोड़ा सा छोटा हुआ, क्योंकि आज दिल नहीं कर रहा था मोटो व्लॉग करने का, वैसे आज चक्कर जो है वो काफी ज्यादा लंबा लगा रही है। तो अभी मगरब वैसे हुई है तो टाइम से घर आ गया, तो जो मेरा सिर है इसमें जो पेन काफी ज्यादा हो रहा है वो क्यों, क्योंकि जो हेलमेट है मेरा काफी ज्यादा मैं अपने टाइट किया था, शायद आपको बताया कि नहीं बताया, पहले थोड़ा सा लूज था तो फिर मैंने उसमें पैडिंग करके थोड़ा सा टाइट किया था, तो आज उसकी वजह से काफी ज्यादा जो सिर है ना वो मेरा
दुख रहा है क्योंकि वो इस तरह उसने दबा दिया था सर को, काफी ज्यादा जो है वो दुख रहा है। तो खैर न्यू पौधे जो है वो भी यहाँ पे ला के लगा दिए गए। तो ये कहते हैं एलोवेरा गवार गंधक, तो इसका और भी मेरे ख्याल दो एक दो नाम होंगे, तो वो अभी यहाँ पे लगा दिए, अभी कल ही लगाए हुए हैं मेरे ख्याल से। तो अभी जो है बढ़ेंगे फूलेंगे फैलेंगे, वैसे तो पहले से फूले फैले हैं लेकिन अभी जो नई जगह पे आए तो दोबारा से फूलेंगे फैलेंगे। अभी जो है वो थोड़ा सा बना लेते हैं रोज़ा, तो वो बना के थोड़ा सा पीते हैं। ये गिलास होगी, ये चम्मच होगी, रोज़ा की बोतल होगी, ये है जी तखम मलंगा, थोड़े से डाल लेते हैं ये इसके अंदर, ज़्यादा हो गए बस ठीक है, इतने से डाल दिया तखम मलंगा। तो अभी इसमें ठंडा पानी डाल के पी जाते हैं। शरबत जो हमारा बन चुका है तो इस तरह का लग रहा है, अंदर तखम मलंगा जो है वो तैर है, तो काफी ज्यादा मजेदार होते हैं, अभी पी लेते हैं। आजकल जो है ना रूह अफजा मैं काफी ज्यादा पी रहा, तो तकरीबन दिन में दो टाइम पी लेता हूँ, आज तो मैंने तकरीबन तीन मरतबा तकरीबन पी लिया हुआ है। एक तो मैं वर्जिश जो है एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो मुझे डर है कि मैं जल्दी मोटा होने वाला हूँ, तो ये थोड़ी सी चीज है वो काबू करनी पड़ेगी। पहले तो मैं रूह अफजा पीता नहीं था, मुझे नहीं पसंद था, लेकिन एक मरतबा मैंने पी के देखा तो मजा, तो अभी मैं रोजाना पीता हूँ और दो से तीन मरतबा पीता हूँ, आज भी तीन मरतबा पिया और एक मरतबा जो है आपको दिखा। अभी ना जो एक खतरे की घंटी है तो वो मैं आपको बताता हूँ, शायद मैंने आपको पहले किसी व्लॉग में बताया नहीं, तो आज से मैं देख रहा हूँ, आज से ना काफी दिन से जो मेरे कमरे में काफी ज्यादा जो है वो होती है तमोड़िया जिसे कहते हैं ना, वो आ रही है जिसे पीली से होती है जो मक्खी, तो वो आ रही है, तो मैं देख रहा था ये कहाँ से आती है, तो फिर मैंने जो नोट किया, तो ये सामने आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ से नीचे जगह है थोड़ी सी, तो यहाँ के इसके अंदर जा रही है, तो मुझे डर है उन्होंने इसके अंदर जो है वो छत्ता बना लिया हुआ। अभी इतनी ज्यादा उनकी आमदरफ नजर नहीं आ रही, एक दो मतलब मैंने देखा है यहाँ पे जाते हुए, ये लग रहा है कि यहाँ पे ना छत्ता बन जाएगा, यहाँ सामने मेरा कमरा है तो, और ये सामने ही जो है वो छत्ता हो जाएगा, तो यहाँ से गुजरना भी है ना मुश्किल हो जाएगा, तो इसका भी जो कोई हल है वो पहले मैं देखूंगा कि वाकई यहाँ पे छत्ता बन गया कि नहीं बना, अगर बन गया होगा तो फिर इसका कोई हल है वो करेंगे। अभी ये अबू जी यहाँ पे बना रहे हैं छिछा, तो मैंने आपको बताया था छिछा बनता कैसे, तो ये जी आम छोटे से तो इन्हें उबाल लिए, अब जो पानी में उनका गुद्दा वगैरह निकाल रहे हैं, तो इस पानी में जो है फिर मिर्च मसाला मिक्स करके वो बन जाएगा छिछा, तो ये है जी उबले हुए आम और ये है छिछा। छिछा जो है वो बन गया, तो रोटी खाते हैं इसके साथ। तो गए बाहर आ गई आंधी और लाइट हमारी चली गई है, और मैं यहाँ पे पी रहा हूँ छिछा, बहुत ज्यादा खट्टा है। तो गए अभी लाइट भी आ गई है, तो मैं अपने रूम में आ गया, तो जो आंधी है वो थोड़ी सी थम गई है, लेकिन जो हवा है वो चली है काफी ज्यादा मजेदार ठंडी ठंडी हवा, तो मैं डर गया था कि ये जो हिल रहे हैं ना ये यहाँ से छापर वगैरह लगा हुआ, तो एकदम से हिला है, तो मैं डर गया मैं पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे। तो अभी जो है तकरीबन 10 बज चुके, तो मैं 10 नहीं 11 बजने वाले हैं भाई, तो जी मैं अपने रूम में आ गया, तो अभी जो है व्लॉग वगैरह एडिट करते हैं। अभी जो मैं अपना व्लॉग है वो एडिट कर रहा था, लाइट भी चली गई है, तो मुझे नहीं लग रहा कि आज रात मैं जो है व्लॉग एडिट कर सकूंगा। आंधी तो वैसे बंद हो गई है, तो हल्की हल्की सी हवाई चली मजेदार सी, लेकिन लाइट दोबारा पता नहीं चली गई, अभी भी एक घंटे के बाद आई थी तो दोबारा चली गई है, तो देखते हैं अब कब आएगी, तो फिर व्लॉग एडिट करेंगे। तो इस व्लॉग को यहीं पे खत्म कर देते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, तब तक इतना ही, अल्लाह।